हाल ही में पन्ना दौरे पर रहे कमलनाथ ने कहा कि पन्ना अवैध उत्खनन की राजधानी बन गई है। कमलनाथ के बयान पर खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने पलटवार किया है। कमलनाथ अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, ऐसा मंत्री का कहना है। जिन लोगों के साथ कमलनाथ मन साझा कर रहे हैं वही सबसे बड़े अवैध उत्खनन करता है, उनके ऊपर प्रकरण भी दर्ज है। मंत्री ने आगे कहा कि कमलनाथ की सरकार के वक्त जब यहां के एसडीएम ने अवैध उत्खनन पर कार्रवाई की थी, कमलनाथ की सरकार ने एसडीएम का ट्रांसफर तक कर दिया। लेकिन मंत्री जी की यह बात किसी के हजम नहीं उतरेगी कि अगर कमलनाथ के बगल भी कोई खड़ा है और वो सबसे बड़ा खनन माफिया है, तो क्या अगर बड़े आदमियों का संरक्षण है तो उसे कानून छोड़ देता है, अलग अलग व्यवहार किया जाता है, आप बड़े के साथ इसलिए कार्रवाई नहीं होगी? ये भी मंत्री जी के बयान से एक सवाल उठ रहा है। कांग्रेस पार्टी धरातल में जा रही है और आप देख रहे हो कभी धर्म को ना मानने वाले, आज उन्हीं के खिलाफ आप राम मंदिर जैसे मुद्दों पे सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले, आज आश्रमों में जा रहे हैं, गुरुजी के दर्शन और आशीर्वाद ले रहे हैं। अब उन्हें लग रहा है जनता से तो बेड़ा पार होना नहीं है, तो हमारे भगवान ही बेड़ा पार करवा दें। और इसलिए अब